कौन बनेगा करोड़पति का अगला सीजन टीवी पर आने वाला था, जिसके होस्ट के बारे में कौन नहीं जानता, वही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इस शो ने अमिताभ को रोडपति होने से बचाया था, यानी पूरी तरह दिवालिया होने से संभाल लिया था, जिसका कारण उनकी खुद की कंपनी थी, जिसने अमिताभ बच्चन को इतना बर्बाद किया कि उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। अमिताभ ने जब सन 2000 में केबीसी को होस्ट करना शुरू किया था, उससे पहले वो खुद ही दिवालिया हो चुके थे कर्ज के बोझ में। तबे अमिताभ की माली हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था। क्या है ये पूरी कहानी और कैसे अमिताभ ने खेली अपनी दूसरी पारी, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। असल में 90 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाली इमेज से यंग मैन खत्म हो चुका था, जिस वजह से पुराने बॉलीवुड के पैटर्न के कारण उम्र ज्यादा होने की वजह से अमिताभ को वैसे रोल और उनकी फिल्मों को वैसी सक्सेस नहीं मिल रही थी जैसे कि शोले, दीवार और अग्निपथ को मिली थी, जिस कारण अमिताभ ने खुद की सिग्निफिकेंस को फिल्मों से हटाकर बिजनेस की तरफ लगाया और इसी कारण साल 1995 में अपनी खुद की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू की थी। अमिताभ की ये कंपनी बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस और इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी थी, जो फिल्मों को अपने बैनर तले बनवाने का काम करती थी, जैसे इस समय करण जौहर की धर्मा और यश चोपड़ा की यशराज फिल्म्स करती हैं। प्रोडक्शन शुरू होते ही ABCL कंपनी कैसे कैसे काम कर रही थी उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस कंपनी ने 1996 में मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट करवा दिया, जिसमें विजय माल्या को जज बनाया गया था। ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ था। इस इवेंट को करवाने में अमिताभ की नैया डूबनी शुरू हो गई, क्योंकि मिस वर्ल्ड इवेंट से पहले ABCL ने 15 फिल्में बनाई थी, जिनमें हर फिल्म की लागत करीब 3 से 8 करोड़ रुपए के बीच थी। अब इवेंट हुआ और इवेंट की विजेता बनी आइरीन स्क्लिवा, जो कि ग्रीस की थी। लेकिन मिस वर्ल्ड के बाद से ही कंपनी के दिवालिया होने का सफर शुरू हो गया था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इवेंट से कोई कमाई नहीं हुई, बल्कि इतने बड़े इवेंट के लिए जिन भी लोगों ने बड़े प्रॉफिट के रूप में अमिताभ बच्चन की कंपनी को पैसे दिए थे, वो फायदे की जगह अपनी मूल रकम के लिए परेशान हो गए। बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा, जिसके बाद वही हुआ जो होना था। जिनके भी पैसे फंसे थे वो लोग पहले तो लागत मांग मांग कर परेशान करते रहे, उसके बाद उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी केस चलने लगे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिग बच्चन का नाम होने के बावजूद भी बैंक्स ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया, और जो लोन पहले से दे रखा था उसकी वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजने लगे। अब चूंकि पैसे तो चाहिए ही थे जो अमिताभ बच्चन के पास नहीं बचे थे, इसलिए बिग बी को अपना बंगला जिसका नाम प्रतीक्षा है उसे भी गिरवी रखना पड़ा। प्रतीक्षा आज भी मुंबई में अमिताभ के नाम पर ही है। खैर, वापस ABCL पर आते हैं। तो जब ABCL कंपनी जो ओपन हुई थी उसका टारगेट था कि वो कंपनी 1-2 साल के अंदर ही 1000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, लेकिन इस कंपनी में इनके बैनर की पहली फिल्म भी बुरी तरह पिट गई और बाद की फिल्में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई, इसलिए प्रॉफिट का पी भी अमिताभ को नसीब नहीं हुआ। अब हालत ये थी कि अमिताभ के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए सबसे ज्यादा कैनरा बैंक और दूरदर्शन ने उन पर दबाव बनाया हुआ था, लेकिन अमिताभ को झटका तब लगा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको उनका बंगला, प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने से मना कर दिया था। हालांकि बच्चन ने तब कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उन्होंने अपने बंगले को बेचने की जगह सारा इंडिया फाइनेंस के पास गिरवी रखा हुआ है ताकि वो ABCL के लिए फंड जुटा सके। कोर्ट ने उनकी बात मान ली, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने ABCL को बीमार कंपनी घोषित कर दिया, यानी इस कंपनी पर कोई भी इन्वेस्टर और बैंक पैसा ना लगाए क्योंकि उस पर $14 मिलियन का कर्ज था। अभिषेक उस वक्त अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। बच्चन फैमिली की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अभिषेक को अपना कॉलेज छोड़कर वापस घर आना पड़ा। बाद में अमिताभ ने खुद ये बात सबको बताई कि कर्ज से आजादी पाने में यश चोपड़ा और KBC ने उनकी काफी मदद की थी, क्योंकि जब अमिताभ ने यश चोपड़ा को अपने दिवालिया होने के बारे में बताया और कहा कि कोई काम फिलहाल उनके पास नहीं है, यहीं पर यश चोपड़ा अमिताभ के लिए देव मानुष बनकर आए और उन्होंने अमिताभ की हालत देखकर उन्हें अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक रोल ऑफर कर दिया। अमिताभ ने भी उस रोल के लिए फिल्म को साइन कर लिया। बाद में वो रोल इतना आइकॉनिक बना कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ अमिताभ ने दूसरी पारी शुरू कर दी। इसके अलावा बात KVC की करें
तो साल 2000 में स्टार प्लस अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा। तब उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये शो इस कदर पॉपुलर होगा कि इसे घर घर में देखा जाएगा। अमिताभ उस दौर में केबीसी के कॉन्ट्रीब्यूशन को आज तक नजरअंदाज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस बुरे वक्त में भी केबीसी ने उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई थी। ये शो उनके पास तब आया जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली, दोनों ही तरीके से ये उनके लिए कैटलिस्ट बनकर आया। क्योंकि अमिताभ बताते हैं कि इसने सभी कर्जदारों के पैसे चुकाने में उनकी बहुत मदद की थी। ABCL के लॉन्च होने से 2 साल पहले टैक्स हेवंस में 4 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई थी और चारों के डायरेक्टर थे अमिताभ बच्चन। इस बात से रिलेटेड अमिताभ बच्चन से कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें ईमेल भेजे गए, मोबाइल पर कॉल्स भी किए गए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि एबी कॉप ने ईमेल मिलने की पुष्टि जरूर की है। तो ये रही ABCL और उससे अमिताभ की बर्बादी की कहानी। लेकिन अमिताभ ABCL के पहले से ही अपने को बहुत बड़े बड़े बिजनेस में लगा चुके थे। अमिताभ बच्चन के बारे में ये खुलासा इंटरनेशनल लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका के रिकॉर्ड से हुआ। 1995 में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL के लॉन्च के 2 साल पहले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को 4 शिपिंग कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया। बाद में जब इंटरनेशनल लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका के रिकॉर्ड में खंगाला गया तो पता चला कि चारों कंपनियां टैक्स हेवन यानी ऐसे देश जहां काला धन छुपाया जाता है वहीं पर रजिस्टर की गई हैं। इनमें एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बाकी 3 बहामास में नवंबर 1993 में रजिस्टर की गई थी। इन चारों कंपनियों के नाम सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड लेडी शिपिंग लिमिटेड, ट्रेजर शिपिंग लिमिटेड और ट्रैम शिपिंग लिमिटेड बहामास थे। लेकिन इन कंपनियों के टर्नओवर 5,000 से $50,000 दिखाए गए, लेकिन ये करोड़ों डॉलर के जहाजों के ट्रेड में डील किया करती थी। अमिताभ बच्चन इन चारों कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, जबकि बाकी डायरेक्टर फर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे जो कि कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते थे। इस मामले में अमिताभ बच्चन से कई बार पूछा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। उनके मोबाइल पर कॉल्स किए गए, ईमेल्स के जरिए भी जवाब मांगा गया। एबी कॉर्पोरेशन के ऑफिस और मुंबई स्थित अमिताभ के घर पर भी कॉल्स किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तक इस मामले में कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन इन सब बातों से ये साफ झलक रहा है कि 90 का दशक आते आते अमिताभ पूरी तरह से फिल्मों के हवाले नहीं रहने वाले थे, क्योंकि इनका स्टारडम कम हो गया था और इसी छटपटाहट में उन्होंने खुद का इतना लॉस कर लिया। आपको क्या लगता है, अगर केबीसी और यश चोपड़ा ना होते तो आज अमिताभ इतने बड़े स्टार होते? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।